प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋणुजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले अष्टमह पाठ है त्रिवर्ण है ध्वज तिरंगा झंडा की अवशेष व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों का यहाँ तक हो गया था, पढ़ा दिया गया था किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्त्वम्, किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्त्वम्। सूची कहती है क्या इन तीन रंगों का कोई दूसरा भी महत्व होता है? अन्य माने दूसरा, अपि माने भी, महत्व माने महत्व, मतलब कि क्या इन रंगों का, ये जो तीन रंग बता रहे हो कि केसरिया हरा, केसरिया सफ़ेद और हरा, इन तीनों रंगों का जो महत्व बताए हैं कि केसर वर्ण का शौर्य और सफ़ेद का सत्यता और हरा का समृद्धि, क्या इसका और भी महत्व है, कुछ अलग से और भी महत्व है? तो अब देखिए डेविड कहता, डेविड कहता है आम, हाँ, कथम ना कैसे नहीं। ध्वजस्य ऊपर स्थित है, ध्वज के ऊपर बना हुआ केसर वर्ण है, केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साह का च सूचक है, उत्साह को सूचित करता। मध्य, अब देखिए इसका अर्थ देखिए, आम हाँ, कथम ना कैसे नहीं, ध्वजस्य ऊपर स्थित है, ध्वज के ऊपर स्थित केसर वर्ण है, केसरिया रंग, त्याग और उत्साह को सूचित करता, त्याग और उत्साह को सूचित करता है। त्यागस्य त्याग को और च और चला जाएगा और उत्साह को सूचित करता है कि ध्वज की त्याग कैसे, क्योंकि हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राण को न्यौछावर करके बड़े उत्साह के साथ हमारे देश को स्वतंत्र कराया, इसलिए ये केसरिया रंग उनके त्याग का भी प्रतीक है, त्याग का भी प्रतीक है और उत्साह का प्रतीक है, करें सूचित करता। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, बीच में स्थित सफेद रंग, श्वेत रंग सफेद रंग, सात्विकता या सूचिता या च द्योतक, सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है। सात्विकता माने बीत के अंदर सात्विक होना चाहिए, सात्विक विचारधारा होनी चाहिए, कुत्सित विचारधारा नहीं होनी चाहिए। तो ये सात्विकता को भी बताता है कि कितनी सादगी है, कितनी सादगी है, कितनी पवित्रता है। चय द्योतक है, चय माने और, द्योतक माने बताता है, कह रहे हैं कि बीच में स्थित सफ़ेद रंग, श्वेत वर्ण है, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता को बताता है, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता को बताता है। अधः स्थित हरित वर्ण है, नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधरा या सुषमा या उर्वरता याश्च द्योतक, अधः माने नीचे, अधः स्थित नीचे स्थित जो है, या नीचे जो है कौन कौन सा रंग है, हरित वर्ण है, हरा रंग, वसुंधरा या पृथ्वी की, वसुंधरा माने पृथ्वी की, सुषमा या सुंदरता को, उर्वरता याश्च द्योतक और उपजाऊ शक्ति को बताता है। देखिए, अधः स्थित हरित वर्ण है, नीचे स्थित हरा रंग, अधः स्थित हरा रंग नीचे स्थित हरा रंग वसुंधराया पृथ्वी की, सुषमाया सुंदरता, पृथ्वी की सुंदरता, उर्वरता शक्ति या हमारी पृथ्वी कितनी उपजाऊ है इसको बताता है। देखिए, नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सौंदर्यता और
उत्पादन शक्ति को बताता है या उसकी उपजाऊपन को बताता है, उसकी उर्वरता को बताता है। आगे देखिए, तेज इंद्र है, आगे देखिए, तेज इंद्र है। सुचे ध्वजस्य मध्य एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते। सुचि ध्वज के बीच में, सुचि हे सुचि, सुचे हे सुचि, ध्वजस्य मध्य ध्वज के बीच में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। हे सुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सुचि, अब देखिए सुचि बोले आम आम हाँ हाँ, आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथते, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। इदम यह अशोक चक्रम कथते, या इदम अशोक चक्रम कथते, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकः, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, द्योतक है, प्रगति और न्याय को बताता है। एतत् यह प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तक, यह प्रगति और न्याय का न्याय को बताता है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सारनाथ माने बनारस, बनारस अर्थात वाराणसी, जिसको वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी में एक स्थान है जिसका नाम सारनाथ है। सारनाथ में वहाँ पर एक अशोक स्तंभ रखा हुआ, अशोक स्तंभ है अस्ति, तो वही कह रहे हैं कि सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति, सारनाथ सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात एव एतद् गृहीतम्, वहीं से यह लिया गया है। एतत् मीन्स यह, तस्मात वहीं से यह गृहीतम ग्रहण किया गया है, लिया गया है। तस्मात एवं एतत् गृहीत, वहीं से यह ग्रहण किया गया है या लिया गया है। अगली पंक्ति प्रणव है, अब प्रणव बोल रहा है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आराः सन्ति, अस्मिन् चक्रे इस चक्र में, अस्मिन् इस चक्र में चतुर्विंशति अराह सन्ति, 24 तीरियां हैं। सन्ति माने हैं, देखिए अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। आगे मेरी, अब देखिए अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां, आरा माने तीलियां। आप लोग देखे होंगे झंडा देखे हैं तो उसमें एक चक्र बना हुआ है जो नीले रंग का है और उसमें तीलियां लगी हुई हैं, वह 24 तीलियां होती है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। तो ये कह रहे हैं अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति आरा, उसमें 24 तीलियां हैं। मेरी, अब देखिए मेरी बोल रही है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रता अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम् जातम् क्षम्यतां मैंने जाता कहा। देखिए भारतस्य संविधान सभायां, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को पूर्ण रूप से, समग्रतया माने पूर्ण रूप से, अस्य माने इसको, ध्वजस्य स्वीकरणं इस ध्वज को, इस झंडे को, स्वीकरणम जातम स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। देखिए भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया। आगे देखें, आगे तेज इंद्र है, देखिए तेज इंद्र है, तेज इंद्र बोल रहा, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक, कह रहे हैं देखिए, कह रहे अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा, अस्माकं माने हमारा, त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा, स्वाधीनताया स्वाधीनता का, राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वक्रम पूर्वकम भवति। देखिए कह रहे हैं अतः
एव अतएव अतः करे स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्रता दिवस। देखिए स्वतंत्रता दिवस माने 15 अगस्त, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अतएव अतः स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी और 26 जनवरी को अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का फहराना, इस ध्वज को फहराना करें, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का फहराना समारोह पूर्वकम भवति, मतलब ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति, ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है, मतलब पूरे आदर के साथ समारोह सभा के साथ फहराया जाता है। अब देखिए जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय, जयतु भारतम भारत माता की जय, जयतु भारतम भारत की जय। तो इस प्रकार वह जय बोलकर जो है वह अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो देखिए आप लोगों को, तो यह आप लोगों की पूर्ण व्याख्या हुई। हाँ यदि आपको कहीं भी ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ये आपका आठवां चैप्टर समाप्त हुआ। हाँ एक